CEW 104 की कार्यशाला में आपका स्वागत है। आज हम जीने की वायरिंग के बोर्ड बनाने का और सॉकेट लगाने का अभ्यास करेंगे। इस परिपथ में जीने के दोनों तरफ से लैंप को कंट्रोल किया जाता है, जिससे इसे दोनों तरफ से जलाया व बंद किया जा सके। इस अभ्यास में हम इन औजारों को उपयोग में लाएंगे। कॉम्बिनेशन प्लायर, पेचकस, पोकर, इलेक्ट्रीशियन चाकू, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन बिट सहित, हथौड़ी आदि। इस अभ्यास में जो सामान प्रयुक्त किया जाएगा वह इस प्रकार होगा। एक गैंग बॉक्स, दो स्विच व एक सॉकेट वाला। एक स्विच का गैंग बॉक्स, एक बटन होल्डर, द्विमार्गीय स्विच, पीवीसी पाइप, एक मार्गीय स्विच, एक सॉकेट 5 एम्पियर। सैडल, गुल्ली, नील धागा, जंक्शन बॉक्स आदि। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कागज पर सर्किट डायग्राम बनाएं और अनुदेशक से चेक करवाएं। अब धागे और नील की सहायता से जहां बल्ब लगाना है निशान लगाएं।
फिर निशान की जगह पर इस प्रकार छेद करें। अब पीवीसी तार को पाइप में डालें।
जहां बल्ब लगाना है वहां जंक्शन बॉक्स लगाएं और उसके ऊपर बटन होल्डर को इस प्रकार कस दें। अब एक गैंग बॉक्स जो जीने के ऊपर लगेगा और दूसरा नीचे की तरफ लगेगा, वह सप्लाई देकर ये देखें कि सर्किट दोनों स्थानों से कंट्रोल हो रहा है अथवा नहीं। सावधानियां, प्रिकॉशंस। इस अभ्यास को करने में हमें निम्न सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। सारे कनेक्शन कसे होने चाहिए, गुल्ली ढंग से दीवार में कसी होनी चाहिए व पाइप सैडल कवर की सहायता से सैडल के आधार पर मजबूती के साथ कसा होना चाहिए। जोड़ का प्रयोग कम से कम होना चाहिए व यदि जोड़ लगा हो तो उस पर इंसुलेशन टेप लगाना चाहिए।